ये इसम पढ़ने से अगर एक इसम लो अल्लाह का और दो सिफात ले लो तो एक अजीब बात बन जाती है। अगर रज़ाकों के रिस्क की तंगी है, सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि सबसे जरूरी है कि दो रकत नमाज अस्तग़फ़ार पढ़ो, दो रकत नमाज धाने की पढ़ो उसूल की, और दो रकत नमाज हाजित की पढ़ो। हाजित एक रखो, जो मुश्किलात हो अल्लाह से वो बयान करो, फिर यारज़ाकों का विर्द करो। जब यारज़ाकों का विर्द करना हो तो अच्छा तो ये है कि या अल्लाह के साथ या अल्लाह हो या रज़ाको, इससे बात कुछ और बन जाएगी। लेकिन जो भी उसकी सिफात हो, क्योंकि ज़ात के साथ जो सिफात मिलाओगे वो इसमें आज़म बन जाएगा। जैसे बिस्मिल्लाह में बार बार कहता हूँ कि एक अल्लाह और रहमान और रहीम है, ये उसकी राज है और ये मौज़ा है बिस्मिल्लाह का।